नमस्कार, हिंदी आचार्य चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बच्चों नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में और खिलाफत आंदोलन के बारे में। जो असहयोग आंदोलन था गांधी जी का, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी शुरुआत कहां से होती है? पहला विश्व युद्ध होता है और रॉलेट एक्ट लाया जाता है और जो हंटर कमेटी बनाई जाती है जलियांवाला बाग के लिए, उसके ऊपर जो बिठाई जाती है वो एक सिर्फ एक आई वॉश होती है, वो एक धोखा होती है। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो होते हैं वो भी इंडियंस को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। और दूसरी तरफ खिलाफत इशू क्या है? खिलाफत इशू बहुत ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा था उस समय के भारतीय मुसलमानों के लिए। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर उनकी भावनाएँ आहत हुई थी। कैसे हुई थी? क्योंकि मुसलमान जो थे, पूरे विश्व के मुसलमान, वो रिलीजियो पॉलिटिकल लीडर मानते थे, तुर्की के सुल्तान को अपना पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर मानते थे। और उनको गुस्सा इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा आया कि जब अंग्रेज़ों ने जो सुल्तान ऑफ टर्की, जिसे खलीफा कहा जाता था, उसको हटा दिया प्रथम विश्व युद्ध के समय पर। और इसके विरोध में ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस होती है दिल्ली में नवंबर 1919 में। और कहा जाता है कि जो विदेशी वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार करने के लिए कहा जाता है और गांधी जी को प्रेसिडेंट बना दिया जाता है ऑल इंडिया खिलाफत आंदोलन का। गांधी जी चाहते थे कि वो एक असहयोग आंदोलन और सत्याग्रह आरंभ कर लें सरकार के खिलाफ, खिलाफत इशू के ऊपर। लेकिन बहुत सारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो इस चीज़ का विरोध कर रहे थे। उदाहरण के लिए तिलक इस चीज़ का बहुत विरोध कर रहे थे क्योंकि उनका ये मानना था कि मुसलमानों का साथ तो आप ले लीजिए, लेकिन आप साथ का जो आपका टॉपिक है वह एक धार्मिक इशू पर आप कार्य कर रहे हैं, तो हमें धार्मिक इशू में बीच में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। लेकिन गांधी जी इस पूरे मुद्दे को एक अवसर के रूप में देख रहे थे। वो कह रहे थे कि इसी अवसर के ही बहाने हिंदुओं और मुसलमानों में एकता बन जाएगी, और जिससे होगा क्या कि मुसलमान जनता जो है वह भी राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बन जाएगी। इसीलिए फरवरी 1920 में हिंदू मुस्लिम डेपुटेशन भेजा जाता है वॉयसराय के पास, लेकिन ये जो मिशन है इसे ये अनसक्सेसफुल रहता है। इसीलिए फिर फरवरी 1920 में गांधी जी एक असहयोग आंदोलन खिलाफत इशू के ऊपर और इसके साथ ही जो जलियांवाला बाग की जो घटना हुई थी, इन दोनों चीज़ों के ऊपर आरंभ कर देते हैं असहयोग आंदोलन। और मई 1920 में एक ट्रीटी ऑफ सेवरेज होती है जो कि तुर्की को पूरी तरह से ह्यूमिलिएट कर देती है, अपमानित कर देती है। और जून 1920 में सभी पार्टियों की कॉन्फ्रेंस होती है इलाहाबाद में, और जिससे कि अंग्रेज़ों के बनाए हुए स्कूल, कॉलेज, लॉ कोर्ट्स आदि का विरोध करने के लिए डिसाइड किया जाता है। और 31 अगस्त 1920 में खिलाफत जो मूवमेंट है उसको पूरी तरह से शुरुआत कर दिया जाता है, उसको लॉन्च कर दिया जाता है। आगे देखते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होता है सितंबर 1920 में, और वो अप्रूव कर देते हैं असहयोग आंदोलन के प्रोग्राम को, जब तक कि खिलाफत का जो इशू है इसको रिजॉल्व नहीं किया जाता और जलियांवाला बाग के इशू को रिजॉल्व नहीं किया जाता, और जब तक स्वराज्य एस्टेब्लिश नहीं हो जाता। तो उनका प्रोग्राम क्या था कि हम एक तो सभी सरकारी स्कूल और कॉलेजेस का बहिष्कार करेंगे, सभी लॉ कोर्ट्स का बहिष्कार करेंगे, क्यों, और हम अपना आपसी जो झगड़े हैं वो निपटाएंगे पंचायतों से, और बहिष्कार करेंगे हम लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का। और इस टॉपिक पर सभी इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स सहमत नहीं थे, लेकिन और इसके साथ बहिष्कार करेंगे विदेशी कपड़ों का, और खादी और चरखा इनका इस्तेमाल हम स्वयं करना शुरू कर देंगे, और जो भी अंग्रेज़ी सरकार ने हमें ऑनर्स दिए हुए हैं, टाइटल्स दिए हुए हैं, इनको हम वापस कर देंगे और टैक्स भी नहीं देंगे सरकार को। तो दिसंबर 1920 में नागपुर सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो उसमें फिर से जो असहयोग आंदोलन है उसको पूरी तरह से सपोर्ट किया जाता है। और ज़रा सा इसमें चेंज होता है कि सेल्फ गवर्नमेंट, जो हम स्वाधीनता प्राप्त करना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के द्वारा, अब स्वराज जो था वो पीसफुल और लेजिटिमेट मीन्स के द्वारा, यानी कि अब हम ऐसा कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल
स्ट्रगल करेंगे। तो गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया कि असहयोग आंदोलन होगा कम्प्लीटली, जब और एक साल के अंदर अंदर हम स्वराज को प्राप्त कर लेंगे। अब देखते हैं कि असहयोग आंदोलन किस तरह से बढ़ता जाता है। बहुत सारे जो वकील होते हैं वो अपनी प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। उदाहरण के तौर पर मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सैफुद्दीन किचलू, चित्तरंजन दास, असाफ अली, राजेंद्र प्रसाद आदि। दूसरा, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार होता है और उनको जलाया जाता है, जिससे कि 50% तक विदेशी कपड़े का जो इम्पोर्ट है, आयात है, वो घट जाता है। दूसरा, इसमें कि जो शराब, विदेशी शराब की जो दुकानें थी उनकी पिकेटिंग की जाती है, यानी कि उनका विरोध किया जाता है। और तिलक ने एक स्वराज फंड की शुरुआत की और उस फंड में 1 करोड़ रुपए भी जमा हो गए थे उस समय पर भी। और गांधी जी ने अली भाइयों के साथ में पूरे देश में स्टूडेंट्स को कॉल दी, जिससे कि स्टूडेंट्स ने स्कूल को छोड़ दिया और वो नेशनल स्कूल्स के अंदर, जैसे जामिया इस्लामिया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ आदि, मतलब भारतीय संस्थानों में स्टूडेंट्स आए गांधी जी के कहने पर। और कांग्रेस के जो वॉलंटियर कॉर्प्स थे वो एक तरह की पैरेलल पुलिस की तरह काम करने लगे। और टी प्लांटेशन में असम के लेबर्स ने स्ट्राइक की, ये भी असहयोग आंदोलन के साथ ही होता है। और इसके साथ ही अली ब्रदर्स ने मुस्लिम्स को छोड़ा कि आर्मी को आपको छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो रिलीजन के ख़िलाफ़ है। लोगों का इसमें क्या रिस्पॉन्स आता है? लोग जो ज़्यादातर मिडिल क्लास के लोग थे उन्होंने इस मूवमेंट में पूरा भाग लिया। हालाँकि सरकारी नौकरी को भी छोड़ दिया जाए, इस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया गया। और बिज़नेस के जो बिज़नेस क्लासेस थी उन्होंने मूवमेंट को इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि स्वदेशी कपड़े का इस्तेमाल करने की बात हो रही थी, विदेशी का बहिष्कार करने की बात हो रही थी, तो इससे वो खुश थे। जो किसान थे उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में इस आंदोलन में भाग लिया। और उन्होंने किसान न केवल अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हुए, उसके साथ साथ वो ज़मींदारों के ख़िलाफ़ भी हुए। और स्टूडेंट्स ने सरकारी स्कूल और कॉलेजेस को छोड़ दिया और भारतीय जैसे जामिया इस्लामिया, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ आदि संस्थानों को ज्वाइन कर लिया। और इस जो असहयोग आंदोलन है उसकी जो सबसे बड़ी खासियत है वो है हिंदू मुस्लिम यूनिटी इसमें दिखाई देती है। और गांधी जी इसका बहुत बढ़िया उदाहरण यह है कि गांधी जी को एक बार एक मीटिंग भी अटेंड करने के लिए अलाउ किया गया जिसमें केवल मुस्लिम औरतें ही थी और जिसमें जो मुस्लिम पुरुष थे उनको, उनकी आंखों को बंद किया गया था, जबकि गांधी जी की आंखों को बंद नहीं किया गया इसमें, मतलब कपड़े से बांधा नहीं गया था। तो जो औरतें हैं उन्होंने पर्दा को छोड़ दिया, मतलब हम नॉर्मल भारतीय महिलाओं की बात कर रहे हैं, और उन्होंने अपनी ज्वेलरी भी दान में दी ताकि वो तिलक का जो तिलक जी ने जो फंड बनाया था उसमें उन्होंने दान में दी। अब देखते हैं सरकार का क्या इसमें रिस्पांस था। जो वॉयसराय रीडिंग था उस समय, गांधी जी को चाहता था कि वो अली ब्रदर्स को कन्विंस करें कि ऐसी आप स्पीचेस ना दें जिनमें वायलेंस होती है। वॉलंटियर कॉर्प्स कांग्रेस के इलीगल डिक्लेयर कर दिए गए और ज़्यादातर जिसमें जो बड़े लीडर्स थे उन सबको जेल में डाल दिया गया गांधी जी को छोड़ के। अब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर दी 1922 में, और जब बारदोली सत्याग्रह होता है। अब देखते हैं चौरी चौरा इंसिडेंस। एक छोटा सा गांव था गोरखपुर में, 5 फरवरी 1922 की बात है, जहाँ पे जो लोग थे विरोध कर रहे थे शराब की दुकानों का, और जो खाने की बहुत अधिक कीमतें हो रही हैं, और वो पुलिस स्टेशन के बाहर आते हैं और प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन होता क्या है कि एक आग लग जाती है पुलिस स्टेशन में, जिस वजह से 22 पुलिस वाले इसमें मर जाते हैं। तो गांधी जी को जब इस घटना के बारे में पता चलता है, चौरी चौरा की घटना के बारे में, वो इससे बहुत परेशान होते हैं और उसी समय पर वो असहयोग आंदोलन को समाप्त कर देते हैं। जबकि इस समय जो कांग्रेस के बाकी लीडर्स थे, चित्तरंजन दास, पंडित नेहरू, मोतीलाल नेहरू, वो बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ थे कि इस समय पर जब बहुत ज़्यादा ये मूवमेंट फैल चुकी है आप इस समय पर इस मूवमेंट को ख़त्म ना करें। लेकिन गांधी जी के उसूल ऐसे थे कि वो कहते थे कि अब क्योंकि इसमें हिंसा हो रही है तो इस वजह से मैं इस मूवमेंट को
ख़त्म कर दूंगा। तो मार्च 1922 में हम देखते हैं कि गांधी जी को अरेस्ट भी कर लिया जाता है और उनको 6 साल की सज़ा भी दे दी जाती है और गांधी जी ने अपनी मूवमेंट को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया क्योंकि वो वायलेंट हो गई है। और गांधी जी क्योंकि अहिंसा में मानते थे, गांधी जी ये भी मानते थे कि सबसे बड़ी बात गांधी जी की समझदारी इसमें ये थी कि गांधी जी कहते थे कि एक हिंसावादी प्रदर्शन जो होगा ना, ऐसी कोई मूवमेंट होगी, उसको तो कॉलोनियल गवर्नमेंट बड़ी ही आसानी से ख़त्म कर देगी, तो हमें हिंसावादी होना ही नहीं है। दूसरी बात, ये बहुत ही मुश्किल था कि जो आंदोलन किसी भी तरह का सरकार के ख़िलाफ़ हो रहा है और वो बहुत लंबे टाइम तक चलता रहे, ये बहुत ही मुश्किल होता है। जबकि गवर्नमेंट का उन्होंने रुख देख लिया था कि वो तो नेगोशिएट करना ही नहीं चाहते हैं, तो इसको ज़्यादा देर तक जारी रखा भी नहीं जा सकता था। बाकी खिलाफत का जो सवाल था 1922 में, ये भी समाप्त तो हो ही जाता है क्योंकि जो तुर्की के लोग थे वो मुस्तफ़ा कमाल पाशा के अंडर आते हैं और वो खुद ही सुल्तान की ताकतों को ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरह से जो खिलाफत का जो सवाल था वो अपने आप में उसकी रेलेवेंस ही नहीं रहती। और 1924 में खलीफेट जो थी उसको समाप्त कर दिया जाता है और तुर्की को एक मॉडर्न कंट्री बना दिया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो असहयोग आंदोलन था उससे पढ़े लिखे शहरी मुसलमान जो थे वो राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा भी बने, लेकिन इससे, ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसका जो नुकसान यह हुआ कि इससे जो पॉलिटिक्स थी ना वो कम्युनलाइज्ड हो गई। दूसरा, खिलाफत मूवमेंट जो एक क्योनाल्ड अर्ल्स्ट नाम के एक विद्वान है वो कहते हैं कि खिलाफत मूवमेंट एक पूरी तरह से पिछड़ा हुआ एक आंदोलन था। और इसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी हम देख सकते हैं कि इसमें औरतों और स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी भागीदारी थी और इंडियंस को, यह भी एक पॉजिटिव पॉइंट है कि इंडियंस को अंदाज़ा लग गया था कि शायद हम भी सच में अपना देश आज़ाद करवा सकते हैं अंग्रेज़ों से। तो आशा करती हूँ कि आपको खिलाफत आंदोलन का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी आचार्य।